भगत सिंह को याद करेंगे, याद करेंगे, याद करेंगे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है सिंघू बॉर्डर से, जहां पर किसानों का बड़ा सा आंदोलन चल रहा है। सरकार जो कृषि सुधार विधेयक लाई है, तीन विधेयक उनके खिलाफ, तो हमने सोचा कि दिल्ली में है, नोएडा में है, तो क्यों ना सिंघू बॉर्डर चलकर यहां का जायज़ा लिया जाए और आपको रूबरू कराया जाए कि ज़मीनी स्तर पर क्या चीज़ें हैं वो आपको दिखाएँ। तो ये मेरे चैनल वेब कुटुंब पर सिंघू बॉर्डर से मैं शुरू करता हूँ ग्राउंड रिपोर्ट। ये एंट्री पॉइंट है, यहाँ से हम लोग अंदर जा रहे हैं। तो यहाँ पर एंट्री करते ही शुरू में हमें डीटीसी बसें खड़ी दिखाई दे रही हैं, जो कि बंद पड़ी हैं। लेकिन इन बसों में जो यहाँ पर पुलिस बल है या जो सुरक्षा बल है, उनका सामान हमें दिखाई दे रहा है। कुछ लोग बैठे आराम भी कर रहे हैं, तो शायद उनके लिए ये शेल्टर होम की तरह स्थापित की गई हैं यहाँ पर बसें। एंट्री करने के बाद कुछ दूर चलते ही यहाँ पर व्यवस्था, जो शौचालय की व्यवस्था है, बड़े कायदे से यहाँ पर स्थापित की गई है। और बैकग्राउंड में आपको नारेबाजी सुनाई दे रही होगी, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बोर्ड लगा है सामने, गुरु तेग बहादुर मेमोरियल। तो धीरे धीरे हम लोग जो है मेन जो पॉइंट है, जहाँ पर लोग इकट्ठा हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, उस तरफ बढ़ते हुए। पाजी, आंदोलन में आए आप, क्या नाम? क्या कहते हैं, कुछ बताइए। पहली आज पहली दफ़ा आए हैं, यहीं पर रहते हैं? पहली दफ़ा। कहाँ से? दिल्ली से। दिल्ली से, काफ़ी दिन हो गए आप आज, मतलब पहले आना चाहिए आपको। पहले इस तरह नहीं आ पाया, हमको कुछ पता नहीं था। पता नहीं था, कैसे पता चला? ये तो सब पता लगा, यहाँ पे सारे आए हुए हैं और भी लोग आए आपके साथ। लोग आए हुए, किसान हैं आप? धन्यवाद। तो जैसे जैसे लोगों को पता चलता जा रहा है, लोग यहाँ पर आते जा रहे हैं। और ये रास्ता पैदल यात्रियों के लिए है, यहाँ पर एक बैनर टंगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ, और कृपया शांति शांति व्यवस्था बनाए रखने में हमारा सहयोग करें, पंजाबी में भी अंकित है। यहाँ पर सुरक्षा बल, यहाँ पर किसान। आपको दिखाते हैं पैदल वाले रास्ते में जब हम आए हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रैक्टरों की लाइन लगी है, ट्रैक्टरों में जिनमें लोग रहते हैं उनका सामान है। तो आंदोलन स्थल पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मोबाइल कवर और मोबाइल एक्सेसरीज भी आप खरीद सकते हैं। रविंदर सिंह राजपुर गुरदासपुर जिला, जिला भी धन्यवाद बहुत बहुत जो ताड़े। तो ये पंडाल का पीछे का हिस्सा है, मंच पर बच्चे बोल रहे हैं, बच्चों को भी प्रशिक्षण दिया गया है। ਦੇ ਦੇ ਸੋਨ ਹੈ ਸਿਆ ਕਾਲਾ
धन्यवाद। माताओं, बहनों, बुजुर्गों, सबसे पहले मैं श्रद्धांजलि देता हूं इस मंच से उन लोगों को जिन्होंने अपनी जान गंवा दी। मैं गंगानगर राजस्थान से आया हूं, मिनट पांच ही लूंगा आपके संचालक महोदय को, बहुत देर नहीं रखूंगा असमंजस में। आपको हौसला देने की ताकत मेरी नहीं है, मैं हौसला देने भी नहीं आया, मैं हौसला लेने आया हूं और यह सीखने आया हूं कि किस तरीके से लाखों लोगों की भीड़ इस दिल्ली की सड़कों पर बहुत सलीके से इस दुनिया के इतिहास का सबसे बढ़िया आंदोलन आयोजित कर सकती है। इस देश में सबसे बढ़िया आंदोलन, देश की बात नहीं कर रहा, दुनिया की बात कर रहा हूं। कॉलेज में पढ़ता हूं, पढ़ाता हूं, मैंने अपने जीवन में इतने सलीके से होने वाला आंदोलन नहीं देखा न सुना, जिसमें मूंगफली की रेड़ी से एक दाना तक गायब नहीं हुआ, जिसमें लाखों लोगों की कतार लगी हुई है, लेकिन बावजूद उसके किसी माता या बहन को ऐसा महसूस नहीं हुआ कि किसी ने उसको धक्का दिया हो। इतने संस्कार वाले लोग अगर अपने मेहनत की बात मांगने के लिए खड़े होते तो दुनिया की किसी ताकत में यह हिस्सा नहीं है, दुनिया की किसी भी ताकत में ये दम नहीं है कि आपको आपके अधिकारों से वंचित कर सके। आंदोलन स्थल के आसपास जो मेन पंडाल है उसके आसपास जो जगह है वहां पर आप देख सकते हैं उसके पीछे की तरफ ये कई तरह की रेड़ियां लगी हुई हैं। आप यहाँ पर जूस पी सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं, जूते, कपड़े और बाकी सामान यहाँ पर तैयार है। तो देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी लोग यहाँ से आ जा रहे हैं और हमने सोचा कि हम लोग भी ठहर गए, एक एक गिलास गाजर का जूस पी लें। तो हमारा जूस तैयार हो रहा है, भाई अपनी साथ में है। कैसा लग रहा अभी तक हम लोग जो आंदोलन में घूमे, क्या लग रहा है आपको अभी तक? तो बड़ा सही लग रहा है, सब कुछ अच्छा जा रहा है। अभी नेताजी से बात करने का टाइम मिला हुआ है, देखते हैं कितनी देर में बातचीत होती है, तब तक हम जूस पी के आनंद लेते हैं। सही बात, तब तक हम लोग जो है जूस पी लेते हैं। भैया क्या नाम आपका? शमसुद्दीन। शमसुद्दीन जी हैं, क्या कहते हैं आंदोलन के बारे में? आंदोलन एक हिसाब से ठीक है, है? हाँ। ये बहुत बढ़िया हो रहा है। हाँ। और इसमें इतने जो है कुछ काम गलत भी किया है। किसने काम गलत किया है? मोदी जी ने। मोदी जी ने गलत काम क्या गलत कर दिया भाई? बस ये हमारा ग्लास आ गया है। हाँ, इनको सबको लेके चलना चाहिए था, सबको छोड़ दिए हैं। सबको छोड़ दिए हैं ये, जब तो लोग रोड पे आ गए हैं, ये मेन मुद्दा है। हाँ, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबका साथ और अकेला विकास है। सबका साथ अकेला विकास। तो शमसुद्दीन जी ने जो है ये जूस हमारे लिए बना दिया, गाजर का जूस, इसको पी के आपको बताएं, इसका भी अनुभव आपके साथ साझा कर लें। मजेदार है भाई, गाजर है और चुकंदर है इसमें। गाजर, चुकंदर, पुदीना, गाजर, संतरा, संतरा भी है इसमें, क्या बात है। घोड़े पर निहंग लोग हैं ये, निहंग दल के सदस्य, क्या बात है, क्या बात है। ये घोड़ों का जो अस्तबल है ये कहाँ, किसके घोड़े हैं, क्या कहाँ काम आते हैं ये? निहंगों के। अच्छा, अच्छा ये बताइए जो ये आंदोलन का जो पूरा जो जगह है कहाँ तक आंदोलन, मतलब कहाँ तक है? आइडिया तो वैसे है नहीं, 30 किलोमीटर के एरिया तक है। 30 किलोमीटर? 30 किलोमीटर। अच्छा ठीक, धन्यवाद। फतेह बाबे संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरां वाले ते मन नूं भावे। तो यहाँ पे जो आंदोलनकारी किसान हैं उनके ये ठिकाने हैं जहाँ पे रात में ये लोग रुकते हैं। इस तरह से इन्होंने बिस्तर लगाया है ट्रक में, किसी के पास बिस्तर है, किसी के पास नहीं है। पंडाल है, चाय है, चाय मिल रही है। तो ये
कॉफी हमने ले ली है लंगर वाली, हमने कहा हम भी इसका अनुभव ले लें। तो बताते हैं, कॉफी पीते हैं। कॉफी मजेदार है भाई। लंगर इधर चल रहा है क्या? हाँ जी भैया। तो यार लाइन में लग के लेना क्या? लगना पड़ेगा फिर। क्या क्या है? आलू गाजर मटर है जी, चावल है, रोटी है। क्या नाम? मेरा नाम ऋतिक है जी। कहाँ से आए? दिल्ली से जी। आंदोलन करने आए हो? हाँ जी। क्या बात है, पीछे जोड़े आदि सेवा कर रहे हैं जी। सेवा कर रहे हो? हाँ जी। क्या बात कर रहे हैं जी पीछे? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ये लंगर की लाइन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लंगर बट रहा है। आंदोलन में जो लंगर चल रहा है उसके बाद जो यहाँ पे कचरा इकट्ठा होता है इसको भी ठिकाने लगाने का काम है और ये काम किया जा रहा है। इन बोरियों में भर भर के कचरा कहाँ ले जाया जाता है ये कचरा? बाहर कूड़ा घर है। बाहर कूड़ा घर है? कितना दूर है? 5 मिनट का रास्ता। 5 मिनट का रास्ता, सारा वहीं ले जाया जाता है। ठीक, धन्यवाद। कल कैंप है यहाँ पर, दवाइयाँ यहाँ पे लोग ले सकते हैं। अच्छा, ये साबुन, शैम्पू, ब्रश ये जो यहाँ पे उपलब्ध है तो ये मतलब ऐसे ही दिए जा रहे हैं लोगों को या मतलब इसको खरीदना होता है? नहीं, नहीं, सेवा में जिसको जरूरत है हाँ जी, हाँ, ले जाए। क्या बात है। किताबें भी यहाँ आंदोलन की जमीन पे कितने मंच हैं इस तरह के? मंच बहुत है, इस तरह के डिग्री बॉर्डर में भी बड़े हैं। अच्छा, दो डिग्री बॉर्डर पे भी है, यहाँ पर दो, यहाँ पर है, सिंघू बॉर्डर पर है। ये सिंघू बॉर्डर है ना? सिंघू बॉर्डर है, एक गुजरी बॉर्डर। तो इस बॉर्डर पे कितना है? इतने बॉर्डर दो है, दो, एक ये एक आगे। अच्छा, आपका नाम क्या है? मनप्रीत सिंह। क्या लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, मोदी सरकार को हरा कर जाएंगे। सरकार को हराएंगे? सरकार को हरा कर रहा है, हराया, सारा बार हराया सरकार को। कितने का है? 150 रुपए। 150 का है, मतलब जो आंदोलन कर रहा है वो ढोलक लेके आंदोलन कर सकता है। तो आंदोलन जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे वीडियो में समेटने के लिए बहुत कुछ है ना। तो आज चूंकि हमें लौटना भी यहाँ से, तो हमने कोशिश की कि यहाँ पे मुख्य मुख्य चीजें हम इसमें समेटें, ग्राउंड जीरो से आपको दिखाएं कैसी हलचल है, लोगों को क्या जज्बात है, क्या बातें हैं, वो आपके साथ शेयर करें इस वीडियो के माध्यम से। आप लोगों ने वीडियो देखा, आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दें कमेंट में कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, खूब शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।